टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रोफिल एडहेरेंस रोलिंग एंड डायबिटीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रैक्शंस जो न्यूट्रोफिल्स की होती हैं वो क्रोनिक इम्यून सेल्स के साथ होती हैं, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो रेगुलेट कर सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ को। सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्रोनिक और अक्यूट क्या होते हैं। अक्यूट डिजीज़ हम किन को कहते हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, ठीक है। क्रोनिक जो है वो परसिस्टेंट रहती हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं ना, इनकी एबिलिटी होती है कि ये रेगुलेट कर सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ को, यानी वो एक्टिविटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म है, इन्फ्लेमेशन की एक्टिविटीज़। अब ये दो तरह से रेगुलेट करते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ प्रीफॉर्म्ड ग्रैन्यूल्स, यानी ग्रैन्यूल्स जो पहले से बने होते हैं उनकी हेल्प से, यानी न्यूट्रोफिल्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं और नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उनकी हेल्प से ये इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या फिर इंड्यूसेबल मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। अब इंड्यूसेबल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, IL-1B, IL स्टैंड करता है इंटरल्यूकन के लिए, ठीक है। IL-1B है, IL-1RA है, IL-8 है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स, TGFB1। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस को, लेकिन कितनी अमाउंट रिलीज़ होगी ये डिपेंड करेगा स्टिमुलस पे, ठीक है, कि कितना स्टिमुलस आया है साइटोकाइन के रिलीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं TGBF एज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर B1 अगर स्टिमुलेट किया जाए लिपोपोलीसेक्राइड्स की हेल्प से। यानी ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, ये स्टिमुलस पे डिपेंड कर रहा है। उस पर उसके बाद हम देखते हैं अडहेरेंस टू द वस्कुलर एंडोथीलियम। हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो अडहेयर कर जाते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। तो ये जो बेसिकली फर्स्ट स्टेप है फैगोसाइटोसिस में, अगर ये स्टेप ना हो, अडहेरेंस प्रॉपरली ना हो, तो बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। न्यूट्रोफिल अडहेरेंस की बेसिकली दो फेजेस हैं, सिलेक्टिन डिपेंडेंट फेज़ है और इंटीग्रन डिपेंडेंट फेज़ है। इन फेजेस के ये नाम क्यों हैं? इनमें मौजूद मॉलिक्यूल्स की वजह से। सिलेक्टिन डिपेंडेंट फेज़ में सिलेक्टिन है, जबकि इंटीग्रन डिपेंडेंट फेज़ में β2 इंटीग्रेंस हैं। अब हम पहले बात करेंगे सिलेक्टिन की। सिलेक्टिन कोड किससे किए जाते हैं? एक जीन कम्प्लेक्स है जो कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, नियर द RCA जीन। और ये भी कहा जाता है कि सिलेक्टिन क्लोजली रिलेटेड है RCA जीन के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों में कम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी मोटिव जो है वो सेम है, ठीक है। यानी इसमें कॉन्सेंसिस रिपीट्स जो हैं वो सेम हैं दोनों में। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इनमें लेक्टिन और जो EGF डोमेन्स हैं ना वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन और शफलिंग से आ गई हैं दोनों में, RCA में भी और सेलेक्टन्स में भी, लेक्टिन और EGF डोमेन्स। लेक्टिन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडहेशन में, लेकिन जो EGF है और CR मोटिव डोमेन्स हैं ये कम कंट्रीब्यूट करती हैं एज़ कम्पेयर टू लेक्टिन। और किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन? इनका अडहेरेंस न्यूट्रोफिल्स की वेस्कुलर एंडोथीलियम के साथ। EGF बेसिकली क्या है कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जबकि CR क्या है? कम्प्लीमेंट रेगुलेटरी मोटिव। उसके बाद ल्यूकोसाइट β2 इंटीग्रेंस हैं। इसमें 3 रिलेटेड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी हैं 3 रिलेटेड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स? LFA1, MAC1 एंड P150-95। इसमें LFA1 जो है ना वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है, ठीक है। और ये सारे ल्यूकोसाइट्स पे होती है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, बस कुछ मैक्रोफेजेस पे नहीं होती। अब ये जो तीनों ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ना, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, हेट्रोडुप्लिक स्ट्रक्चर बनाती हैं ये, ठीक है। इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। अल्फ़ा जो है, ए जो है वो लार्ज सब यूनिट है, बीटा जो है वो स्मॉल सब यूनिट है। और ए जो है ना वो सब में डिफरेंट होता है, लेकिन जो बी यूनिट है वो सब में सेम होता है। ए सब यूनिट की जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती हैं, बी सब यूनिट की जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 21 पे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल रोलिंग की। अब जो न्यूट्रोफिल अडहेरेंस है ना उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? रोलिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं ना वो अलाउ करते हैं कि उनको पुश किया जाए ब्लड के साथ साथ, यानी वो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते। जैसे ही ब्लड सर्कुलेट करता है ये भी साथ ही मूव करते जाते हैं। और समटाइम क्या होता है कि वीक इंटरेक्शंस बन जाती हैं ल्यूमिनल सरफेस के साथ। रोलिंग का फ़ायदा क्या होता है? रोलिंग जो है वो हेल्प करती है ल्यूकोसाइट्स की वो स्पेसिफिक जगह देख सके एंडोथीलियम में, जहाँ पे जाके उन्होंने अटैच होना है, ठीक है। रोलिंग किस में इन्वॉल्व होती है? अडहेरेंस में। ये फर्स्ट स्टेप है अडहेरेंस का, ये हेल्प करती है न्यूट्रोफिल्स की कि वो जगह देख लें एंडोथीलियम में उन्होंने कहाँ पर जाके बाइंड होना है।
ल्यूकोसाइट डायबिटीसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन होती है बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स का एग्रेस होता है यानी उनका रिमूवल होता है, उनकी आउटसाइड मूवमेंट होती है थ्रू द कैपिलरी वॉल। अब ये पता नहीं अभी तक कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो बिटवीन द एंडोथेलियल सेल मूव करते हैं या थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो डायबिटीसिस है, जो माइग्रेशन है, वो इंटीग्रेंट डिपेंडेंट फेज से इनिशिएट होती है। रोलिंग में क्या इंपॉर्टेंट था? सिलेक्टेंट डिपेंडेंट फेज। डायबिटीसिस में कौन सी फेज इन्वॉल्व है? इंटीग्रेंट डिपेंडेंट फेज। सो बेसिकली अडेरेंस की दो फेजेस हैं, सिलेक्टेंट डिपेंडेंट और इंटीग्रेंट डिपेंडेंट। सिलेक्टेंट डिपेंडेंट में क्या होता है? न्यूट्रोफिल की रोलिंग होती है। और इंटीग्रेंट डिपेंडेंट में क्या होता है? डायबिटीसिस होती है। डायबिटीसिस बेसिकली क्या है? माइग्रेशन है न्यूट्रोफिल्स की बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। और अभी ये कन्फर्म नहीं है कि बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स होता है या थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट है शेडिंग ऑफ एल सेलेक्टन। ये इंटरल्यूकिन 8 ये एक साइटोकाइन है, ठीक है। इसको प्रोड्यूस कौन करता है? स्टिमुलेटेड एंडोथेलियल सेल्स। अब होता क्या है कि जब एंडोथेलियल माइग्रेशन हो रही होती है तो एंडोथेलियल सेल अगर इंटरल्यूकिन 8 रिलीज कर दे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये एल सेलेक्टिन को शेड कर देगा, ठीक है। और सेलेक्टिन ने क्या करना था? सेलेक्टिन इन्वॉल्व थी रोलिंग में, और अगर सेलेक्टिन ही नहीं रहेगी तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो एंडोथेलियल सेल्स के साथ बाइंड हो सके, एंडोथेलियल वेस्कुलर एंडोथेलियल के साथ बाइंड हो सकें, ठीक है। और इस फेज को, ये जो IL-8 है ना, इसको हम ल्यूकोसाइट एडहीजन इनहिबिटर भी कहते हैं। ये बेसिकली शेडिंग कर देता है एल सेलेक्टिन की, जो कि फर्स्ट फेज थी न्यूट्रोफिल की उसमें एडहेरेंस में, सेलेक्टिन डिपेंडेंट फेज। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी हैं, GM-CSF, ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं, वो भी एल सेलेक्टिन की शेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं।